बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहती हूँ। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बहुत डिमांड थी डॉक्टर जफर बंकिश को बुलाने की वापस, तो डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की। बहुत बिजी आदमी है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट एक्सेप्टली। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जफर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, और ये कि आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर प्रोग्राम, और मुझे खुशी है कि हमारा लास्ट जो प्रोग्राम था वो आपके नाजरीन ने और फॉलोअर्स ने उसको लाइक किया। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो इंशाल्लाह व्हाटएवर आई कैन डू इन टर्म्स ऑफ एडिंग माय 2 सेंट्स आई विल इंशाल्लाह डू। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। जफर साहब, मैं एक मौका लेना चाहता हूँ फिर से आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ कि लोगों को पता चले कि आप क्यों मैंने इतनी मेहनत की और आपसे रिक्वेस्ट की। यानी कि नाजी, जफर बंगे साहब जो हैं एक बहुत ही एमिनेंट ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, बहुत मेजर लेवल की अथॉरिटी हैं इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जितने उनके खतूत थे जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को लिखे, उसके ऊपर बहुत रिसर्च की, उस पर किताब लिखी, बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसका भी हम इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में जिक्र करेंगे, उनकी उन, उन, उन उनके मुतालिक भी बात करेंगे। इन्होंने अपनी बचपन से ही, बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट थे, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक, आउटस्टैंडिंग डिबेटर, लेकिन और ये दुनिया में जो चाहे कर सकते थे, अरबपति बन सकते थे, लेकिन इन्होंने वो सारा छोड़ के और इन्होंने उम्मते मुस्लिमा, मुस्लिम उम्मा का, जिसके मैं मेरे एक बहुत एक अफसोसनाक राय है कि ये मुस्लिम उम्मा कभी इकट्ठी नहीं हुई, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। यूके में ये ब्रिटिश एक हमारे इनके साथ ही थे, डॉक्टर कलीम सदीक ने उनके साथ मिलके मुस्लिम पार्लियामेंट, क्रेसेंट इंटरनेशनल एक बहुत मशहूर रिसाला मैगजीन होता था जो कि आवाज थी मुसलमानों की पूरी दुनिया में, ये उसके फाउंडर थे, पब्लिशर, अभी भी मेरा ख्याल है उनके साथ इनका ताल्लुक है। इस वक्त वो ही इज द डायरेक्टर ऑफ एक इस्लामिक बहुत बड़ी एक बॉडी है रिसर्च की, उसके ये डायरेक्टर हैं। तो बाकी साहब, मैंने कहा बता दूं लोगों को पता चले कि आपकी, यू नो, नॉट टू काइंड ऑफ फ्लैटर यू, बट लोगों को पता चले कि बड़े एक हम हैवी वेट से आज बात करें। सफर साहब, सवाल जो बहुत ज्यादा दुख वाला है वो है पाकिस्तान के हालात, और उसके पीछे के क्या मसला है कि हमारे बरसरे इकतदार जो लोग आते हैं उनकी जो अखलाकियात और इकदार हैं वो ऐसे लोगों की हैं जो कि हर माशरे में होती हैं, जो कि बहुत एक बहुत ही गंदे, बहुत ही घटिया, बहुत ही गलीज परवरिश वाले लोग या इस किस्म के लोगों की होती है, जो कि हर माशरे में होती है, लेकिन उनको पकड़ा जाता है, जकड़ा जाता है, कैद किया जाता है, जेल में डाला जाता है, सजाएं दी जाती है। हमारे मुल्क में वो कोई आर्मी चीफ बन जाता है, कोई सदर बन जाता है, कोई वजीर आजम, कोई काबीना के मिनिस्टर, बड़े बड़े कारोबारी बन जाते हैं। ये क्या है, व्हाई हैज दिस हैपेंड? पाकिस्तान की इकतदार और अखलाकियात इतनी गिर क्यों गई है मजबूरी तौर पर सोसाइटी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना जो है एलैबोरेट मेरा इंट्रोडक्शन कराया। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये आपकी ज़रा नवाजी है, इनायत है कि आपने माय प्लेजर सर, माय प्लेजर, माय अल्फाज मेरे प्लेजर। मुतालिक कहे, और मैं उसके लिए बहुत ममनून हूँ। आपने जो सवाल उठाया है ये तकरीबन हर एक के जुबान पर है, हर एक की सोच में है कि ऐसी क्या वजह है कि जो हमारे जो लोग इकतदार में हैं वो इस किस्म की घटिया जहनियत के, इस किस्म के गिरे हुए अखलाकियात में वो उलझे हुए हैं, और वो कैसे जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं। एक्चुअली ये जो मसला है ये अगर हम कहें कि जी जो स्कम होता है दैट ऑलवेज कम्स टू द टॉप, तो बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में स्कम जो है दैट हैज नॉट ओनली कम टू द टॉप बट इट हैज स्टक एट दैट लेवल, और वहाँ पर तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं
वो मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि शुरू से ही इसको जो लीडर्स मयसर हुए थे शुरू में, वो बेचारे बहुत जल्दी या तो उनका इंतकाल हो गया या उनको शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद वो जो गन था वो उन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभाली, और जाहिर है उन्होंने वही असर किया जो इस मुल्क के साथ हुआ है अब तक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस दौरान में कोई यानी कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठी और कोई ऐसी तहरीक नहीं उठी कि वो इस बिगाड़ को सही रास्ते पर ला सकें। तो इस वक्त जो पाकिस्तान जिस मुकाम पर खड़ा है, उस वक्त जो है बदकिस्मती से ये सिचुएशन हो गई है कि इस मुल्क के बचने की भी उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, क्योंकि इसको बहुत ही कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। लेकिन अगर एक ऐसा माशरा जो कि गंद को ऊपर लेके आता है और उसको टॉलरेट करता है, तो फिर वो माशरा जो है वो भी इसका जिम्मेदार है, क्योंकि वो इसकी इस्लाह के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं। अब मसलन मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है, एक तो नहीं है, उसके कई लेवल्स हैं। एक जो है जो इलीट क्लास के लिए है, जिन इंस्टीट्यूशंस में आप और मैं पढ़े हैं, वो ज़ाहिर है कि एक आम आदमी तो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनकी तो इतनी खस्ता हालत है कि वो तो किसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर तीसरे लेवल पे हमारे मुल्क में जो मदारिस हैं, दीनी मदारिस, उसमें मेरा ख्याल है कि माँ सिवाय एक दो के अक्सरियत जो है वो बहुत ही उनका मयार बहुत लो है, और वो भी वही जो है वो अजीब व गरीब किस्म के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तालीमी निज़ाम जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और इसके अलावा जो जिस किस्म की जो यानी वहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स राइज हो गए हैं मुल्क में कि जी चोर उचक्के ही जो हैं वो सियासत में आते हैं, चोर उचक्के ही जो हैं वो बरसरे इकतदार आते हैं, तो जो शरीफ लोग हैं वो घबराते हैं कि भाई हम इस गन में नहीं पड़ना चाहते। और लेकिन ये कि मसला ये है कि अगर शरीफ लोग और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर इससे दूर रहेंगे तो फिर वो माशरा सही कैसे होगा, बदकिस्मती से नहीं होगा। तो ये जो इखलाकी बिगाड़ उस माशरे में आया है वो इसी वजह से है कि तालीमी निज़ाम बिल्कुल नाकिस है, और ये कि जो शरीफ लोग हैं उन्होंने ये मैदान खुला छोड़ रखा है डाकू लुटेरे गुंडों के लिए, तो वो यही धंधनाते फिर रहे हैं, यही कर रहे हैं जो जो हजर कर दिया उन्होंने पाकिस्तान का। तो जफर साहब, हमें साइकोलॉजी, जितने बिहेवियरल साइकोलॉजी है और जितनी रिसर्च है इकदार के बनने की, वो ये कहते हैं कि जी इकदार जो है अमूमन 80-90% 7-8 साल की उम्र में बच्चे की बन जाती है, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा दो चीज़ों का असर होता है, जो आपकी एनवायरनमेंट का है, माँ बाप की परवरिश और जिस माहौल में वो रहता है। एक दूसरा डीएनए के उसके वो इनहेरिट क्या करता है अपने माँ बाप आबा व अजदाद से, आदतें जो कि उसके अंदर जिसको कहते हैं नेचर, नेचर एंड नर्चर। हाँ, तो अगर ये चीज है, और नेचर नर्चर की डिबेट अभी तक है कितना उसका असर है कितना इसका असर है, तो ये क्या वजह है कि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, आप रहते हैं और लोग रहते हैं मगरबी ममालिक में, वहां जो हम आम तौर पर इकदार देखते हैं, वहां के लोग ये सारा तालीमी निज़ाम क्यों नहीं तबाह हुआ, वहां की माएं अपने बच्चों की तरबियत क्यों अच्छी करती हैं, हमारी माओं ने अपने बच्चों को डाकू लुटेरे उचक्के लफंगे क्यों बनाए, और ये अमीर खानदानों में से भी हैं, गरीब खानदानों में से भी हैं, ये कोई मसला इससे ज्यादा डीप रूटेड है कि हमारी जो घर का निजाम है वो शायद सैकड़ों साल से तबाह हो चुका है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये गंद शुरू हुआ कैसे और इतने मिकदार में इतना फैलाव कैसे है इस गंद का। देखिए, ये जो दो फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए, जाहिर है कि ये दो फैक्टर्स क्रूशल हैं।
बच्चों की परवरिश जो है माँ की लैप में होती है, लेकिन ये कि उस माशरे में चूंकि मिशन इन लाइफ जो है लोगों ने बना लिया है पैसा बटोरना, पैसा इकट्ठा करना, और ये इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो किस तरीके से, जायज तरीके से या नाजायज तरीके से, बल्कि जायज और नाजायज में तो बिल्कुल फर्क ही खत्म हो गया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी माशरा जो है मजमुई तौर पर एक मुनाफिकाना माशरा है। मैं बहुत माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि कुछ आपके जो व्यूअर्स हैं, सामेईन वगैरह हैं, वो शायद इससे नाराज भी हों, लेकिन ये एक हकीकत है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हम अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारे इकदार जो हैं वो इस्लाम से उनकी कोई हमाहंगी नहीं है, और ये जो हम धोखा कर रहे हैं अपने आप के साथ और मुनाफिकत कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ, तो इसकी हमें सजा मिल रही है। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने तो कुरान में कई मरतबा हमें वार्न किया है। असल देखिए, अल्लाह ताला ने दो मखलूकात को जो है ना वो इजाज़त दी है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को माने या ना माने। यानी कुरान में है, वक़ुलिल हक़ मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा। तो अल्लाह ताला कहता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इनसे कह दीजिए कि हक तो अल्लाह ताला की तरफ से है, हक तुम्हारे रब की तरफ से है, अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको कबूल करो या रिजेक्ट करो। लेकिन अगर तुमने इसको रिजेक्ट किया, सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं बल्कि उस पर, उस रिजेक्शन पर अमल दरामद शुरू कर दिया जब तुमने, तो फिर तुम्हारा ठिकाना जो है जहन्नम की आग है। अच्छा, तो ये अगर हम इसको देखें, देखे अल्लाह ताला ने हमें ये मोहलत दी है, मसलन किसी और मखलूकात को, यानी सिर्फ दो किस्म की मखलूकात हैं, एक इंसान और एक जिन्नात। जिन्नात इनविजिबल बीइंग्स हैं, इंसान जो हैं वो हम हैं विजिबल बीइंग्स। तो अल्लाह ताला ने हमें ये ऑप्शन दिया है, बाकी किसी भी मखलूक को ये ऑप्शन नहीं मिला, ना जानदार को, ना ट्रीज को, ना क्या कहते हैं जानवरों को किसी को ये ऑप्शन नहीं दिया गया। सिर्फ इंसान को ये ऑप्शन दिया गया है कि भाई तुम या तो ये हिदायत है, तुम इसको एक्सेप्ट करो, अगर एक्सेप्ट नहीं करते रिजेक्ट करोगे, ऑप्शन तुम्हारा है, तो फिर उसके नताइज होंगे। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमने जो मजमुई तौर पर जो है ना, कहते तो हम अपने आप को मुसलमान हैं, अगर हम अपने आप को मुसलमान ना कहते तो फिर ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तुम जब मुसलमान नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए अलग वो है, एक एक सिलसिला है, लेकिन अगर तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो तो तुम पर कुछ फराइज आयद होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं जो तुमने पूरी करनी है, और अगर तुमने वो ना की तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें इसको भुगतना पड़ेगा। तो हमारे साथ ये हो रहा है पाकिस्तान में खास तौर पर। देखिए, एक मैं बात अर्ज कर दूं, मैं दुनिया में बहुत जगहों पर घूमा फिरा हूँ, बहुत से ममालिक में बहुत से लोगों से मिला हूँ। एक वाक्या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये 2000 का वाक्या है। हम लोग, हमारे इंस्टीट्यूट ने श्रीलंका में एक इंटरनेशनल सीरा कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी, जिसमें सारी दुनिया से हमने गेस्ट को बुलाया था, स्कॉलर्स को। सीरा कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जो श्रीलंका के दोस्त अहबाब थे, उन्होंने कहा कि कोलंबो से साउथ में एक जगह है कैंडी के नाम से, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर बोटैनिकल गार्डन्स हैं, तो ये गेस्ट को वहाँ हम लेके जाते हैं। और रास्ते में एक मुकाम आता है जहाँ, जिसको एलिफेंट ट्रेल कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि सुबह के वक्त वो एलिफेंट्स को उनके पेन से निकाला जाता है, दरिया में लेके जाता है नहाने के लिए। तो वहाँ पर वो लोग उसको देखने के लिए, वहाँ पर उन्होंने टिकट लगाया हुआ है। अच्छा, जब हम उस मुकाम पर पहुंचे एलिफेंट ट्रेल पे, तो हमारे एक श्रीलंकन दोस्त मेरे साथ बस से उतरे। हम बस में जो है 20 के करीब फॉरेन गेस्ट्स थे और 10 जो थे लोकल श्रीलंकन थे। अच्छा, जो टिकट वगैरह काउंटर पे पहुंचे, तो वहाँ उसने, आदमी ने पूछा कि भाई फॉरेन गेस्ट कितने हैं और लोकल कितने हैं। अच्छा, मैं पैसे पे करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा श्रीलंकन दोस्त है, उसने कहा नहीं नहीं पैसे मैं पे करूँगा। अच्छा, उसने जो है बताया उसको कि 20 हमारे फॉरेन गेस्ट हैं और 10 जो हैं लोकल हैं। अच्छा, 10 के लिए जो टिकट है वो सिर्फ 10 रुपए थी श्रीलंकन रुपया, और फॉरेन गेस्ट के लिए 100 रुपए थी टिकट। यानी मैं
एक्चुअली उसी वक्त सोचता रहा मैंने, कहा कि देखिए इसमें कितनी सदाकत है, कितना ऑनेस्ट बंदा है। यानी ये कह भी सकता था कि जी हमारे 5 जो है फॉरेन गेस्ट हैं, बाकी सब लोकल हैं, तो उसने किसी ने जाकर चेकिंग तो नहीं करनी थी, लेकिन कतन नहीं उसने ये नहीं किया। और मैं सोचता रहा, मैंने कहा कि अगर ऐसा ही वाकया पाकिस्तान में होता, मैं तकरीबन 100% सर्टेन हूँ कि वो झूठ बोलते कि नहीं हमारे पास सिर्फ 5 फॉरेनर्स हैं, बाकी जो है लोकल हैं, और वो डंडी मार जाते। तो देखिए ना, ये जो है ना बुनियादी चीज, तो ये क्यों है सफर साहब, यही तो पूछ रहा हूं, ये क्यों है? यही सारा मसला है कि हमने दरअसल जो है ना पैसे को नऊज़ुबिल्लाह खुदा बना लिया है। हमें बहुत सी बनावटी चीजें आ गई हैं। देखिए ना, जब मसलन वहां पर किसी की शादी ब्याह होते हैं, क्या जो खुराफात होती हैं, जो जो मतलब कि ना बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। अभी मेरा ख्याल है कि 2 साल पहले वो जो उसकी बेनजीर भुट्टो की बेटी की शादी हो रही थी, क्या उन्होंने इतने जो अखराजात किए थे। मतलब एक गरीब इंसान तो सोच सोच तो क्या, वो तो ख्वाब में भी नहीं देख सकता ऐसी चीजें। अवाम नास जो है पाकिस्तान की, वो तो सोच भी नहीं सकते था। यही यही हालत थी उसकी, वो मरियम नवाज के बेटे या बेटी की जो शादी इंग्लैंड में हुई। यानी करोड़ों का वो पैसा खर्च करने जा रहा, कि उन्होंने ये पैसा जो है हलाल तरीके से तो नहीं कमाया है, हराम तरीके से कमाया है। तो वो ये जो पैसे जो उन्होंने हराम तरीके से कमाए हैं, और जिस तरीके से वो दरेख पर इन चीजों पे वो खर्चते हैं, वो बाकी लोग भी यही चीजें देखते हैं कि जी अगर ये लोग सब गड़बड़ से पैसा कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं? तो जब हमने पैसे को ही जिंदगी का नस्पुल ऐन बना लिया है, तो फिर बदकिस्मती से यही सिचुएशन हो। तो जफर साहब, मैं इस सवाल को एक दूसरे जाविये से लेके आता हूँ। जो जो हमें ह्यूमन बिहेवियर की डेवलपमेंटल साइंस बताती है, वो कहती है कि 4 स्टेजेस होती हैं इंसान की इकदार की। सबसे पहले बुनियादी होता है आपका बिलीफ, ठीक है ना, जो 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 जिसके बेसिस, जिसको हम अकीदा कह दें, अकायद कह दें, और जरूरी नहीं है कि वो हो रिलीजियस, भाई कोई किसी चीज पे आपका अकीदा हो, वो बनता है माँ बाप की परवरिश, बचपन में और आपके माहौल से। और वो जो आपके अकायद होते हैं या आपका जो अकीदा होता है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि आप आगे जाके किस किस्म के इंसान बनेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कहते हैं जी आपके अकायद या आपके अकीदे या आपका बिलीफ सिस्टम। उसके बाद वो आता है जी आपकी इकदार। ये जो इकदार है ना जी, ये है कि जी झूठ, सच, अच्छाई, गरीबों की मदद करना, इंसान हमदर्दी करना, सारे ये जो इकदार हैं, ये फिर उसके बाद इस बिलीफ सिस्टम से निकलती है। फिर आता है आपका रवैया दुनिया की तरफ, आपका एटीट्यूड जिसको कहते हैं, कि आप दुनिया को किस जाविये से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि दुनिया में मैंने किस किस्म का काम करना है। अगर आप समझते हैं कि दुनिया में सिवाय पैसा जो है वो ही है ह्यूमन वेलफेयर, तो फिर आप सारी चीजें, आपके जितने फैसले जो कि बाद में फिर बिहेवियर्स को हम कहते हैं, जो आप सलूक इख्तियार करते हैं अपने तौर पर और दूसरों से आप किस तरह सलूक करते हैं, वो फिर अक्कासी करता है उसी बिलीफ की, उसी इकदार की, उसी आपका जो रवैया है एटीट्यूड का, और वो आपका सलूक। तो हम जो आप बयान कर रहे हैं, हम सलूक बयान कर रहे हैं, बिहेवियर बयान कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, डकैती करते हैं, करप्शन करते हैं, ये सलूक है ये। लेकिन ये पीछे, इसके पीछे एक हमारा रवैया था, उसके पीछे हमारी इकदार थी, उसके पीछे हमारे अकायद थे। तो ये तबाही तो शुरू से हुई ना, अकायद घर से हुई ना, माँ बाप से हुई। तो ये हमारे मुल्क में क्यों हुई, हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा क्यों नहीं हुई? है वहां भी, लेकिन इतनी ज्यादा क्यों नहीं हुई? श्रीलंका में क्यों नहीं हुई, वो भी गरीब मुल्क है, उधर इतनी ज्यादा तबाही क्यों नहीं हुई? अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा तबाही क्यों नहीं आई? ईरान में क्यों नहीं आई? ये इधर कमबख्त जो पंजाब और ये केपी और ये सिंध और बलूचिस्तान में क्यों? ये सवाल है सर आपसे। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है हैदर भाई, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये तो आपको साइकोलॉजिस्ट ही बता सकेंगे कि हमारी मिट्टी में क्या खराबी है, जो कि इस किस्म का गंध जो है यहाँ पर पैदा हुआ है। और ये कि ये जो घर से ही जो माहौल खराब हुआ है शुरू से ही, जैसे आपने सही तरीके से सही फरमाया कि
जो हम अकायद लेकर आगे जाते हैं, अगर हम अपने अकायद जो हैं, जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर हम अपने अकायद जो हैं इस्लाम के बनाए हुए उसूलों पर कायम करें, जो कि हमें अपने फिर माँ बाप ने सिखाने हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली ये तो हमें घर में सिखाना है ना सर। एग्जैक्टली, घर से ये सारा सिलसिला शुरू होता है। यहाँ भी बदकिस्मती से मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों में एक ऐसा रवैया है कि जी वो समझते हैं कि जी अगर उन्होंने बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दिया तो बस उन्होंने अपनी हुज्जत पूरी कर लिया, उसको समझ आए या ना आए उनको कोई परवाह नहीं है। और फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी उनको हम इस्लामिक स्कूल में भेजते हैं, चाहे वो संडे इस्लामिक स्कूल हो या फुल टाइम स्कूल हो, कहते हैं अब ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी तालीम और तरबियत। लेकिन वालिदैन में जो है सारी कंट्रोडिक्शंस मौजूद होती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पेरेंट्स हैं पाकिस्तानी मुसलमान, वो खुद स्मोकिंग करते हैं, बच्चों को कहते हैं स्मोकिंग मत करो। अच्छा, वो खुद जो है अनफॉर्चुनेटली, ये अजीब सी बात है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो शराब भी पीते हैं, बच्चों को कहते हैं तो मत पियो। मैं उनको बार बार कहता हूँ कि भी खुदा के वास्ते तुमने मिसाल कायम करनी है, अगर तुम ये हरकतें कर रहे हो तो फिर ये तवक्को मत करो कि तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे, बल्कि वो तो तुम्हें पूछेंगे तुमसे कि तुम तो हिपोक्रेट्स हो, तुम हमें कहते हो कि ये काम मत करो तुम खुद करते हो, हमें कहते हो झूठ मत बोलो तुम झूठ बोलते हो। यानी ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ही एक अजीब और गरीब किस्म की जो है ना सिचुएशन डिवेलप हो गई है। तो अगर हम देखिए, हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारे पास कुरान भेजा, हमारे यहाँ तो पूरा कुरान मौजूद है। मुसलमान तो जब शुरू शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो कुरान बतजरीज नाजिल हो रहा था, और वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो कंपेनियंस थे, जो उनके साथी थे, वो आस्ता आस्ता उनको कुरान सिखाया जा रहा था। ज़ाहिर है कि उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उनके दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, लेकिन हमारे पास तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नत और सीरत मौजूद है। लेकिन हम जो है यूं करते हैं कि ना तो हम कुरान को समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पर अमल करना चाहते हैं। हमने सब ये ज़बानी जमा खर्च हरकतें शुरू कर रखी हैं, तो उसे तो कोई मतलब है कि ना वो हम सही सिमत नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप मगरब में देखें लोगों को, यहाँ पर ठीक है वो मुसलमान नहीं है, वो शराब भी पीते हैं, बहुत सी और जो है ना उनमें इखलाकी बुराइयाँ हैं, लेकिन जहाँ तक कैरेक्टर का ताल्लुक है, इन लोगों में कैरेक्टर मौजूद है। मसलन अगर वो वादा करें तो वादा खिलाफ ही नहीं करते। हमारे यहाँ सर सवाल उधर का उधर रह गया, ये क्यों वादा खिलाफी नहीं करते, ये क्यों ज्यादा झूठ नहीं बोलते, ये क्यों कोशिश करते हैं कि अपनी जो जो इन्होंने काम करना है वो सोलो आने के। सर एक छोटा सा आपको वाक्य सुनाऊं, मैं सर जब एमबीए कर रहा था ना बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, वो हफ्ते की मैं रात को करता था, वो जिसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते हैं, पैसे कमाने थे, बीवी भी थी, बड़ा बुरा हाल था। तो मेरा वो सुपरवाइजर, उसने मुझे कहा यार हैदर तुम ना तो सैटरडे मॉर्निंग जो है ना ये तुम ये वैक्यूमिंग कर दिया करो, ब्रास व्रास कॉन्सियर्ज का काम था, वो सारी रात बैठा मैं अपने केस स्टडीज पढ़ता रहता था। तो ये 2.5 घंटे का काम है, इसका इतना रेट होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने सर एडी चोटी का जोर लगाया कि वो 2 घंटे 15 मिनट में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए। सबर भाई वो 2 घंटे 30 मिनट में ही होता था। इतना अगर मैं कोशिश करता कि जल्दी करूं, या मैं कोई चीज छोड़ जाता या मैं चीज वो पूरी ठीक तरीके से नहीं करता, और मैं पूरा फिर 2 घंटे 30 मिनट लगाए। ये क्यों है उसका निजाम, क्यों है वैसे, वहां क्यों है, बताएं। देखिए मसला ये है कि यू नो अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो मेरा ख्याल है कि हमें सब लोगों को एक ही तराजू में, यानी एक ही ब्रश से नहीं स्वीप करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में जो है ना मुख्तलिफ तबकात मौजूद हैं। अब देखिए आपके जो पाकिस्तान के जो जिसको अशराफिया कहते हैं, इलीट कहते हैं, उनका एक कल्चर है। फिर उसके बाद मिडिल क्लास तो अब तकरीबन खत्म ही हो चुकी है पाकिस्तान में। उसके बाद आपका जो गरीब तबका है, तो गरीब तबका तो बेचारा जो मेजोरिटी है वो तो लगा हुआ है रोजगार में दो वक्त की रोटी पूरी हो जाए। जो इलीट तबका है उनके पास, उन्होंने बेतहाशा पैसा बटोरा हुआ है, वो हर जायज और नाजायज तरीके से पैसा समेटते हैं, और उनका दीन ईमान ही पैसा बन गया है। तो ये जब किसी किसी
معاشرے میں جو ایلیٹ کلاس ہے ان کا دین ایمان ہی پیسہ ہو جاتا ہے تو باقی اقدار ان کی کوئی نہیں رہتی پھر، وہ کوئی صحیح کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پیسہ جائز یا ناجائز طریقے سے حاصل کرنا ہے، اور میجورٹی تو ظاہر ہے کہ ناجائز طریقے سے کریں گے، ورنہ اتنے ڈفرینسز سوسائٹی میں ہو ہی نہیں سکتے تھے کہ غریب بیچارہ جو ہے اتنا بری طرح پس رہا ہے، اس کو تو ایسے دبایا ہوا ہے کہ وہ تو ہوتا ہے کہ سانس بھی نہیں لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مطلب کہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے، پورے دیکھیں پورا جو اسٹیٹ کا ڈھانچہ ہے نا پاکستان میں، اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، ہم اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کریں گے جی اسٹیٹ ہے لیکن اسٹیٹ نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی سٹیزنز ہیں، اسٹیٹ جو ہے نا بیسیکلی اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ کو جو ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اپنے سٹیزنس کو، چاہے وہ سیکورٹی آف لائف یا سیکورٹی آف سسٹیننس یعنی کھانے پینے کی اشیاء میسر کرنا، اینڈ پراپرٹی کوئی اگر آپ کی پراپرٹی، ہاں بالکل، اور تیسری چیز جو ہے کہ بھائی وہ ایجوکیشن کو پرووائڈ کرے، اور پھر ہیلتھ، تو یہ جو ہے پاکستان میں تو یہ اسٹیٹ کوئی چیز نہیں پرووائڈ کرتی، بلکہ دا اسٹیٹ ہیز بیکم دا بگیسٹ فیکٹر آف انسیکیورٹی ان دا لائفز آف پیپل، اور سٹیزن جو ہے وہ سٹیزن رہے نہیں ہے کیونکہ ان کو بحثیت سٹیزنز کی ٹریٹ ہی نہیں کیا جاتا، وہ تو بیسیکلی کنزیومرز ہو گئے ہیں، کنزیومرز آف اسٹیٹ پروپیگنڈا یا ایلیٹ کا پروپیگنڈا، اور ان کو جناب ہانکا جاتا ہے کہ جناب تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا ہے، تم نے عمران خان کا نام نہیں لینا ہے، تم نے اس کی پارٹی سے مستعفی ہونا ہے، ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے، لیکن ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں اٹھا کے بھر دیا ہے، تو مطلب کہ یہ جب سچویشن ہو جاتی ہے، نہ تو وہ اسٹیٹ ہے کوئی، اور نہ ہی مطلب کہ کوئی کیا کہتے ہیں سٹیزنز رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے کہ پاکستان ایک جغرافیکل خطہ تو ہے، لیکن یہ کہ وہ جغرافیکل خطہ جو ہے آزاد نہیں ہے، اس پر پہلے انگریزوں کا قبضہ تھا، وہ چلے گئے تو انہوں نے اپنے یہ کالے غلاموں کو بٹھا دیا، وہ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو انگریز کرتا تھا، ان میں کوئی جو ہے نا ہم آہنگی نہیں ہے، یعنی وہ جب ربط نہیں پیدا ہوگا ان کے درمیان، تو آپ کے ہاں کوئی یعنی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا سچویشن یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہے صرف اور صرف پیسے کی خاطر اپنی جو ہے ایک ناجائز شوشہ کرنے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر جو ہے نا انفارچونیٹلی ہماری جو ہے نا یہ سچویشن کبھی امپروو نہیں ہو سکتی، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، یہ آپ کے علم میں ہوگا، جب سپٹمبر 2010 میں پاکستان میں جب سیلاب آیا تھا خاص طور پر ناردرن ایریاز میں، تو اس وقت جو ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہے اینجلینا جولی، اس کو یو این کا روونگ ایمبیسڈر بنایا تھا، تو وہ پاکستان آئی، دیکھیے ویل نون سیلیبریٹی ہے، وہ ناردرن ایریاز میں گئی، لوگوں سے ملی، ان سے ان کی مطلب کہ یو نو کچھ دلجوئی کی، کچھ ان کے یعنی ٹیسٹیمنیز وغیرہ لی کہ ان کے کیا مشکلات ہیں، کیا کچھ ہے، اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، ظاہر ہے کہ اینجلینا جولی اس سے بھی ملی، تو اس نے یہ اینجلینا جولی نے خود یونائٹیڈ نیشنز میں پریس کانفرنس میں یہ بات کہی، اس نے کہا کہ جب میں یوسف رضا گیلانی سے ملی تو وہ مجھ پہ بہت پریشر ڈال رہا تھا کہ میں اس کی فیملی سے ملوں، میں نے اس کو کہا بھی کہ بھی میں تو یہاں پر وہ یو نو لوگوں کی اس کے لیے آئی ہوں انویسٹیگیٹ کرنے، اور مجھے یو این کو رپورٹ پیش کرنے، اس نے کہا نہیں آپ پلیز میری فیملی سے ضرور ملیے، تو اس کے گیلانی صاحب کی فیملی اس وقت ملتان میں تھی، تو اینجلینا جولی نے بتایا یہ پریس کانفرنس میں سے بات ہوئی، ریکارڈیڈ ہے یہ سب کچھ، کہ جی وہ ایک اسپیشل پلین سے اس کی فیملی کو لے کے آئے، اور انہوں نے میرے لیے اتنا الیبوریٹ لنچ کیا ہوا تھا، اتنی ڈشز انہوں نے تیار کی تھی کہ وہ ہم تقریباً کوئی 8-10 بندے تھے، یعنی ایک میں اور ان کی فیملی، 8-10 بندوں کے لیے اتنا کھانا تھا کہ وہ 100 سے بھی زیادہ لوگ کھا سکتے تھے، اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ وہاں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ان کو پانی میسر نہیں ہے، اور یہاں پر یہ نواب یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اس قسم کی عیاشیاں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ہماری مدد کرے تاکہ ہم لوگوں کے جو ہے نا دیکھ بھال کر سکے، تو یہ جو کنٹرڈکشنز ہماری سوسائٹی میں ہے نا، یہ ہماری جو بگڑے ہوئے جو ہمارے وہ ہے نا اقدار ہیں اس کی پیداوار ہیں، یہ آپ کہیں اور نہیں دیکھیں گے، کہیں پر بھی نہیں، ایران میں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، احمد نژاد جب وہاں کا پریزیڈنٹ تھا، جب اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو ان کے گھر میں ٹوٹل 20 بندے تھے شادی میں آئے ہوئے، 20 ٹوٹل، اور انہوں نے ان 20 بندوں کو
जो खाने वगैरह में छुआरे दिए थे और चाय दी थी और कुछ भी नहीं। हो सकता है पाकिस्तान में कोई करता है ऐसे? तो आप अंदाजा लगाइए ना कि हम में और उनमें जो है वो है क्या, क्यों ये इतना फर्क है। अहमदीनेजाद साहब जो है, जब वो प्रेसिडेंट था, वो एक मीटिंग में जा रहा था, तेहरान की ट्रैफिक, पता नहीं आप तेहरान गए या नहीं, बहुत ही बुरी है तेहरान की ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में फंस गया। तो तेहरान में मिडिल में जो है उन्होंने बस लेन्स बनाए हुए हैं जिस पे बसेस चलती हैं, तो उसके ड्राइवर ने वो बस लेन पे चला गया ताकि वो ट्रैफिक से निकल गया कि ये मीटिंग में पहुंच सके। जा रहा कि बसेस तो मतलब हर जगह तो नहीं होती। तो अहमदीनेजाद ने जब देखा, उसने ड्राइवर को कहा क्यों तुम इस बस लेन में आए? उसने कहा सर हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, देर हो रही है। उसने कहा नहीं, फौरन तुम निकलो यहाँ से, ये तुम गलत काम कर रहे हो, ये जायज नहीं है कि तुम मुझे बस लेन में लेके जाओ, अगर मैं जाऊंगा तो सब लोग बस लेन में जाएंगे। क्या आप, आपके भी इल्म में है कि पाकिस्तान में तो कोई दो टके का जो है ना, ये जो मिनिस्टर होता है या उसके लोग होते हैं, जब वो कहीं जाता है तो सारी ट्रैफिक बंद कर देते हैं, लोगों की जिंदगी परेशान कर देते हैं, कोई परवाह ही नहीं है। यानी ये जब हम हरकतें करते हैं तो उसका क्या नेट रिजल्ट क्या होता है? जिसको भी मौका मिलता है वो जहां भी कर सकता है वो गलत काम करता है। कहते हैं जी वो कर रहा है तो हम क्यों ना करें, वो ही कैन गेट अवे विद इट, आई विल प्रोबेबली ट्राई टू गेट अवे विद इट एज़ वेल। ये जो चीज हमारे यहाँ जो डेवलप हुई है कि हर तरफ से, यानी शुरू से ही कोई कोई पॉजिटिव वैल्यूज ही कम्युनिकेट नहीं की गई लोगों को, और हम ना तो कोई इस पर तवज्जो दे रहे हैं ना हमें इसका एहसास है। और ये सिलसिला जैसे आपने सही फरमाया कि जब घर से इस मामला शुरू होता है, और घर में ये सारी चीजें इलीट क्लास से शुरू होती हैं, जब इलीट क्लास ही बिगड़ जाती है तो वो फिर तबाही की तरफ हम हमें लेके जा रहे हैं सारा समाज। तो जफर भाई, दो बातें करके फिर कंक्लूड करते हैं, बिकॉज मैंने आपसे इसी कॉन्वर्सेशन को अगली दफा भी करना है। बट पाकिस्तान में आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस हैं, हमारे पास आगा खान है, आईबी है, मोटरवे पुलिस कहते हैं रिश्वत नहीं लेती या कम लेती है, ट्रैफिक वार्डन कम रिश्वत लेते, ज्यादा नहीं लेते, कुछ अच्छे लोग भी हैं पुलिस में, भी अच्छे लोग हैं, नहीं रिश्वत लेते, गरीब भी है नहीं लेते। जो बहुत एक बात हुई थी, मेरा ख्याल है कांसी कांसी की ना, जब ट्रायल हो रही थी उसके लॉयर के, सर ये कोर्ट आप जब बात कर रहे थे ना मैंने निकाली, वो कहता है जज को जब ये बात हुई कि कितने पैसे, कहता है आई एम श्योर देर आर पीपल ओवर देयर पाकिस्तान में हु वुड टर्न इन देयर मदर, वो अपनी वालदा को भी बेच देंगे $20,000 के लिए, 2 मिलियन तो बहुत दूर की बात है। तो ये अब ये हमारे मुतलिक उनकी राय है कि ये अपनी माए बेच देंगे, तो आप बताएं इसका कोई हल है, प्रैक्टिकल हल बताएं। पाकिस्तान एक एक जानवर नुमा इंसानों के हाथ है जिनके अंदर कोई इकदार नहीं है किसी किस्म की, इसका देखिए हल क्या है? मैंने पहले भी मैं अर्ज लॉन्ग टर्म पूछ रहा हूं, सोसाइटी का रिफॉर्म कैसे होगा, ये माए कैसे ठीक होंगी इस मुल्क की? किया, हमें जो है ना सबसे पहले तो वहाँ तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। अभी तक भी हमारे यहाँ वही फरसूदा निज़ाम चल रहा है, तालीमी निज़ाम जो है ना बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। वो कोई क्रिटिकल बिल्कुल सर, थिंकिंग लोगों को प्रोड्यूस नहीं करते, हमारे जो इदारे हैं सब इतने करप्ट हो चुके हैं, वहाँ पर रिश्वतें भी चलती हैं, सब कुछ होता है, इस अनबिलीवेबल के किस किस लेवल तक वहाँ पर डिटेरियोरेशन हुई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको, जब तक आप तालीमी निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, बदकिस्मती से ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, उस माशरे में अच्छे काम भी हो रहे हैं, जैसे आपने उनकी निशानदेही की, और भी हैं, मसलन हम देखते हैं कि इमरान खान ने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एक और जो शौकत कई खानों का सिस्टम आप देखें कितना एक शफाफ और बिल्कुल, साफ। और इसी तरह उन्होंने जो यूनिवर्सिटी कायम की, मतलब कि देखिए ये जो है ना, ये स्टेट लेवल पे ये काम नहीं हुआ बल्कि ये इंडिविजुअल लेवल पे काम हुआ है, और उसकी वजह यह है कि लोगों का इमरान खान पर ट्रस्ट है, स्टेट पर किसी का ट्रस्ट नहीं है। स्टेट तो डाकू लुटेरे से जो है ना वो उस पर काबिज है, डाकू लुटेरे जो है, और वो हम पूछे ना किसी पाकिस्तान में, पूछें कि जनाब हमें बताइए कि नवाज शरीफ ने कितने अस्पताल बनाए हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ ने कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, आसिफ जरदारी ने कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं। वो जो जो है ना कि जो स्टेट लेवल का काम है वो तो स्टेट ने नहीं किया, इंडिविजुअल्स ने किया है।
और इसी तरह आपने बताया और भी बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में, मसलन इंडस हेल्थ हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स हैं उनका, वो मतलब कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है और इदारे हैं जो कि यू नो काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो काम है ये इंडिविजुअल्स के नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहती। तो देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना, हमें अगर उसको बदलना है तो उसके रेवोल्यूशन के बगैर नहीं होगा। ये मैं अभी भी कहता हूँ, इलेक्शन से भी कोई चेंज नहीं आएगा। हमने देख लिया, इलेक्शन भी करवा लिए, इमरान खान जीत गया था लेकिन उसको किसी ने काम ही नहीं करने दिया, हालांकि उसने 3 साल में जो काम किया पिछले 30 सालों में नहीं हुए थे सब कुछ। लेकिन ये कि डिस्पाइट ऑल ऑफ हिज सिंसेरिटी, डिस्पाइट ऑल ऑफ हिज कमिटमेंट, लेकिन उसके पास टीम भी जो थी वही खोटे सिक्के थे, उसके वही मतलब कि जो लोग थे जो वहां पर यानी गड़बड़ करते रहते थे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जी वो एक वहां से अलग होके उन्होंने एक अलग किंग्स पार्टी बना ली है, उनके चापलूसी के लिए सब कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में चेंज आना है, द ओनली वे दैट चेंज कैन कम अबाउट इज थ्रू अ रेवोल्यूशन। और दूसरी चीज जो मैं अर्ज करूंगा, हम पाकिस्तानियों को, सब मुसलमानों को कुरान का सही तरीके से मुताला करना जरूरी है। सिर्फ तोती की तरह रट कर वो रटे नहीं लगाने, उससे कोई वो नहीं होगा फायदा कि हम समझे कि जी हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया, लोग लगे हुए हैं कि जी यू नो हमने 30 मरतबा कुरान खत्म कर लिया, 50 मरतबा कर लिया, और वो भी अरबी में जो कि समझ भी नहीं आता, जब नहीं आती तो उससे फायदा कैसे आप हासिल करेंगे। देखिए एक आम मुसलमान जो है ना, बदकिस्मती से वो एक डॉक्टर पर ज्यादा यकीन रखता है नऊज़ुबिल्लाह, और खुदा पर कम रखता है। तो बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कहता है ये दवाई लो और तुमने दिन में 3 मरतबा ये दवाई खानी है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर वो मरीज जो है जाकर घर में वो दवाई जो है एक शेल्फ पे रखते और सुबह उठकर उसको चूमे और फिर वापस रखते, दोपहर को उसको चूमे और वापस रखते, तो क्या आप समझते हैं कि वो ठीक होगा? लेकिन हम कुरान शरीफ के साथ यही कर रहे हैं, हम उसको चूम लेते हैं और ऊपर शेल्फ पे रख देते हैं, और उस वक्त हमें कुरान शरीफ याद आता है जब कोई मर जाता है, कहते अरे भाई अब उसके लिए खत्म करो, कुरान शरीफ का खत्म करो। अरे यार कुरान शरीफ जिंदा लोगों के लिए, मुर्दों के लिए नहीं है। हिदायत जिंदों को मिलती है, मुर्दों को नहीं मिलती उससे। और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत और सीरत पर भी अमल नहीं करते, उसके लिए जान तो दे देंगे लेकिन अमल कर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो है ना हमारी बदकिस्मती कि हमारी जो हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है, ये हमें लिए डूब रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमने उस सिस्टम को ठीक करना है तो विदाउट अ रेवोल्यूशन दैट सिस्टम कैन नॉट बी चेंज्ड और नॉट बी इम्प्रूव्ड। बट अनफॉर्चुनेटली लोग मुझसे इस पे इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये कि एविडेंस यही शो करता है कि भाई जब तक जो है ना आप ये जो गंद है उसका उसको हटाएंगे नहीं, आपके ब्लड से इंसान की बॉडी ले लें, उसमें जब कैंसरस ट्यूमर हो जाता है तो क्या करते हैं, ऑपरेशन करके निकालते हैं कैंसरस ट्यूमर, वो इंसान मर जाता है। और अगर वो बहुत ज्यादा फैल जाए तो जाहिर है कि फिर तो वो बच ही नहीं सकता। लेकिन ये कि आम वो ये है कि जब बॉडी में कैंसर हो तो यू डू एन ऑपरेशन, यू एक्साइज इट आउट ऑफ दैट बॉडी सो दैट बॉडी हैज अ चांस टू रिकवर। पाकिस्तान की यही हालत है कि वो जो है ना कैंसर इतना बढ़ चुका है उसमें कि जब तक आप उसको एक्साइज नहीं करेंगे बॉडी से, अनफॉर्चुनेटली वो बचने की उम्मीद नजर नहीं आती मुझे कोई। जावेद साहब ये बताइए, रेवोल्यूशन पाकिस्तान में कैसे आएगा, इसको किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह मोबिलाइज किया जाए? देखिए इसके तीन पहलू होते हैं रेवोल्यूशन के। सबसे पहले तो ये है कि देयर शुड बी ए सिंसियर लीडरशिप, नंबर वन। चलो हम कहते हैं जी इमरान हमें मिल गया सिंसियर लीडर, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो आपको बताए कि भाई हमारी डेस्टिनी क्या है, हमने जाना कहाँ है। और तीसरी चीज जो है वो है कि जी वो क्या लाए अमल होगा जिसके तहत आप वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे। और जरा इसके लिए आपको लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। हम देखते हैं ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है उससे हमें साफ मैसेज मिलता है, लेसन मिलता है कि आपने लोगों को मोबिलाइज किया, उससे पहले मोटिवेट किया, मैसेज कम्युनिकेट किया, उसके बाद उनको मोटिवेट किया, उसके बाद उनमें ऐसी जो है ना खासियतें पैदा की कि वो उस मिशन के लिए जान देने के लिए तैयार थे। देखिए एक बात जो है ना, मुसलमान जो है ना अक्सर हमारे यहाँ खास तौर पर पाकिस्तान में जनाब की जी आप नमाज पढ़ें और ये करें, नमाज दीन का सुतून है वगैरह, बिल्कुल सही है। सवाल ये उठता है कि मक्का की जो 13 साल जिंदगी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें तो
पहले 12 सालों में नमाज फर्ज नहीं थी, न जकात फर्ज था, न रोजे फर्ज थे, तो फिर हमें न हज फर्ज था उस वक्त, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या वो अच्छे मुसलमान नहीं थे? उनसे तो कोई बेहतर मुसलमान हो ही नहीं सकता है कि उन्होंने जो मुसीबतें झीली, उन्होंने उनको लोगों ने टॉर्चर किया, उनको शहीद किया गया, वो नमाज की वजह से तो नहीं किया गया था कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए तो नहीं किया गया कि वो रोजे रख रहे हैं, इसलिए तो नहीं किया कि जी वो हज पे जा रहे थे, नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं थी। तो उनमें क्या खासियत थी? उनमें कमिटमेंट थी, वो आइडियोलॉजिकल चैलेंज था, उनके जहन में ये क्लैरिटी आ गई थी कि हमने ये जो हमारे यहाँ जो निज़ाम है ये गलत है, इससे हमने इस निज़ाम को हमने चैलेंज करना है, इसको हटाना है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी देख रहे हैं, मक्का में वहां पर एक इदारा हुआ करता था दारुन नदवा के नाम से, हालांकि उनके जद अमजद ने यह इदारा कायम किया था, कुसै ने कायम किया था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कुफारे मक्का से ये नहीं कहा कि जी मुझे मौका दो कि मैं तुम यहाँ पर आकर दारुन नदवा में आकर तकरीर करूं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलग इदारा कायम किया जिसका नाम था दारुल अरकम, किसी का घर था जहां पर आप मुसलमानों की तरबियत किया करते थे, कभी आप दारुन नदवा में नहीं तशरीफ ले गए। हम ये जो पाकिस्तान में जो पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ, देखिये आप नेशनल असेंबली में चले जाए, सब चोर चक्के डाकू लुटेरे बदमाश बैठे हुए हैं, क्या आप उनसे हासिल करेंगे? इसलिए मैं जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि जी पाकिस्तान में तब्दीली तभी आ सकती है जब आप रेवोल्यूशन लेके आए, क्योंकि ये निज़ाम जो है ना ये सुधरने वाला नहीं है। आप अच्छे अच्छे लोगों को लेके आ जाए तो वो अच्छे लोग जो है उनको कोई काम ही नहीं करने देगा, क्योंकि वहां पर गंदे इतने बैठे हुए हैं लोग कि वो उसको किस सारी तरफ से जकड़ लेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे, वो कुछ जो करना भी चाहे नहीं करने देंगे, और अगर वो कोई ज्यादा बढ़ने की कोशिश करे, देखिए जैसे इमरान खान के साथ किया उन्होंने, अप्रैल 2022 में उसको उठाकर फेंक दिया वहां से, हालांकि कोई जवाब नहीं था उसको निकालने का, वो सही काम कर रहा था, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, सारी चीजें सही हो रही थी, उसको उठाकर उन्होंने फेंक दिया, और देखिए मुल्क का हशर अब। तो इसलिए मैं जो कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई चेंज आएगा तो वो रेवोल्यूशन से ही आएगा, उसके बगैर नहीं आ सकता। तो टू कंक्लूड, लीडर है इमरान, विजन उसने क्लियर दिया हुआ है, एक फलाही रियासत गरीबों के लिए, इस्लामी फलाही रियासत जो इस्लामी असूलों पे होगी, फलाही होगी, गरीबों को गुरबत से निकालेगी। जो आखिरी अमल है वो रुका हुआ है कि लाए अमल कैसे होगा, मोबिलाइजेशन कैसी होगी, बिकॉज इमरान अभी भी इलेक्शन की बात करता है, अभी भी कानून की बात करता है, आइन की बात करता है। आपका जाविया ये है, जो कि मेरा भी है बाय द वे, कि ये जो है ना ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना आप देखिए उस मुल्क में, यानी कोर्ट्स में जब वो जाते हैं, जजेस जो हैं सब बिकाऊ माल हैं अनफॉर्चुनेटली, यानी जो वहां पर जिस किस्म, देखिए ना ये इन इन सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था ना कि 14 मई को जो है ना पंजाब और केपीके में इलेक्शंस हों, 2 महीने गुजर गए, इलेक्शन से कुछ नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये देखिए इमरान खान पर उसको कत्ल करने की कोशिश की गई नवंबर 3 को, FIR नहीं कटवा सकता यार, यानी क्या मजाक है, यानी ये तो एक बुनियादी हक है उसका, वो FIR ही नहीं कटवा सकते, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यार, वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि एक आम आदमी की क्या हालत होगी, एक आम आदमी क्या कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जी जब तक वहां पर रेवोल्यूशन नहीं है, जैसे ईरान में आया था, ईरान में जब रेवोल्यूशन आ रहा, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और इसके लिए हमारे लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम यही करते रहेंगे जी कोई और करेगा, कोई और हमें आकर बचाएगा वो करेगा, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए ये तो मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के वाकयात को का जिक्र किया है, जब उनको मूसा अलैहि सलाम वो समंदर पार करके लेके गया सीनाई पेनिनसुला में, तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जी मूसा अलैहि सलाम को कि अपने लोगों को ले जाओ और फलानी बस्ती में चले जाओ। तो वो जो लोग थे, मूसा अलैहि सलाम ने कुछ लोगों को भेजा कि जाकर जरा पहले रिकॉनिसेंस करो क्या सिचुएशन है। वहां से जो लोग वापस आए उन्होंने कहा कि वहां तो ऐसे कवि लोग रहते हैं कि हम तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते, हमारी तो कोई बिल्कुल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मूसा अगर तुमने जाना है तो तुम और तुम्हारा भाई जाओ, हम नहीं जा सकते, क्योंकि उनका भाई हारून अलैहि सलाम भी थे, कि तुम जाओ, जब तुम वो जगह हासिल कर लोगे तब हम वहां जाएंगे। इसकी सजा अल्लाह ताला ने उनको दी, 40 साल तक वो भटकते रहे सहराओं में, 40 साल।
क्या बात हमारी कैफियत बिल्कुल वही है। हम कहते हैं जी कोई और हमें निजात दिलाए तब हम जाकर कुछ करेंगे, हम कोई कुर्बानियां नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते ना देंगे, हम तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे तो जनाब वो बच्चे हैं उन्हें वो करना, हमारा घर है, हमारी ये चीजें लुट जाएंगी वो चीजें हो जाएंगी, ये अगर हमारी मेंटेलिटी है तो अनफॉर्चुनेटली फिर उम्मीद नहीं नजर आती मुझे कोई कि वो कुछ तो जफर भाई फिर तो फिर तो ये माशरा बचेगा भी नहीं, इसलिए कि जितने कुरान मजीद में बेपनाह हमें एग्जांपल्स दी जाती हैं ऐसी सोसाइटीज के, ऐसे माशरों की, ऐसी कौमों को जो के तबाह हो गई इन्हीं वजह से। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए ना मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, मैं दोबारा अर्ज करूं कि देखिए अगर हम लोग जो हैं बजाते खुद अपने उसको उस अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो अल्लाह ताला ने तो मुंह में तो पानी मुंह में तो खाना नहीं डालना उनके लिए। देखिए ना कुरान में अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि इन अल्लाह ला युगैरो मा बिकौमिन हत्ता युगैरो मा बिअन्फुसिकुम, कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो कौम अपने आप को नहीं बदलना चाहती, खुद ये फैसला नहीं करती कि हमने अपने आप को बदलना है तो वो नहीं बदल सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही जो अंग्रेजी में मिसाल है कि जी यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट फोर्स इट टू ड्रिंक वाटर, तो अल्लाह ताला ने तो हमें सब कुछ हमारे सामने वाजे कर दिया है, बता दिया है, लेकिन अगर हम खुद ही उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कोई और करेगा हमारे लिए, हम तो यहीं बैठे हुए हैं, हमारी तो हालत बिल्कुल वही है जैसे बनी इसराइल की है, और हमारा हशर भी वही होगा जो बनी इसराइल का हुआ था, क्योंकि हम जो है वो एक तरफ तो कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, हम जो है बल्कि ये तो वो तो छोड़िए कि जनाब हम आपस में ही जो ना मुसलमान आपस में एक मसलक और एक फिरका जो है दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे को कत्ल के पीछे लगे हुए हैं, उसमें तो हम बहुत तेज हैं, वो फौरन खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं है, फिर हम हजारों बहाने ढूंढते रहते हैं कि कोई और हमें वो करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, प्लीज जरा लोगों को चाहिए कि वो इस पर सोचे, खुद फैसला करें कि क्या उन्होंने इस अपनी किस्मत बदलनी है या नहीं, और अगर बदलनी है तो उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके बगैर मुमकिन नहीं है चाहे कितनी भी जी प्लीज मैं ये अर्ज कर रहा था कि चाहे वो कितनी यानी उनको वो सिंसियरली क्यों ना सोच रहे हो इस मामले में, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन लेना जरूरी है, प्रैक्टिकली स्टेप्स लेने जरूरी हैं। बल्कि मैं तो समझता हूं कि अगर सपोज पाकिस्तान में जो है लोग जो है निकल आए, एक दो करोड़ लोग निकल आए सड़कों को जैम कर दें, सारे बिल्कुल जिंदगी मुअत्तल कर दें, क्या करेंगे, कौन उनको रोकेगा, क्या कौन करेगा, क्या वो आर्मी जो है टैंक्स लेके आएगी उनको कुचल देगी, 2 करोड़ लोगों को कुचलेगी, 3 करोड़ लोगों को कुचलेगी, क्या करेगी, और आर्मी भी आई एम श्योर के लोग ऐसे हैं कि जो जिनको जो जो कुछ हो रहा है वो इससे खुश नहीं है, लेकिन ये कि इस वक्त जो है सिचुएशन अब अवाम पर डिपेंड करती है, ये सिचुएशन कि उन्होंने उठ खड़ा होना है। देखिए इमरान खान ने वो कर दिया, ठीक है वो 100% यू नो वो ना हो, लेकिन फिर भी कम अज कम वो बाकी जितने भी सियासतदान है ही इज हेड्स अबव देम, बहुत ही उनसे वो है, उसको अल्लाह ताला ने राह रास्त पर लगा दिया है, उसके मैं अपने दिल से कहता हूं कि वो बिल्कुल सिंसियर है, क्योंकि देखिए उसके लिए कोई वो नहीं था कि वो सारी जो आसाइशें छोड़कर अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके वो जो है पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की खिदमत करे, और उसने कर भी दिखाया, पॉलिटिक्स में आने से पहले कर दिखाया उसने कि भाई वो जो है शौकत खानम हॉस्पिटल कायम किया, नमल यूनिवर्सिटी कायम की, ये सब सबके सामने मिसालें मौजूद हैं, फिर वो लोगों को कहता है कि भाई उनमें कॉन्फिडेंस पैदा किया लोगों में, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दी, डिग्निटी दी, अब वो लोगों से कहता है कि भाई प्लीज उठ खड़े हो, तुम निकल आओ मैदान में आ जाओ, अब अपने हुकूक के लिए तुम जद्दोजहद करो, लोग बैठे हुए हैं घरों में कुछ नहीं करना चाहते जी, कोई और करेगा हम तो नहीं कर सकते, हमारी मुश्किलात हैं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा भाई प्लीज। बहुत शुक्रिया जफर बागे साहब, थैंक यू वेरी मच। 3-4 चीजें निकली आपकी आज की जो एक बड़ा जबरदस्त दर्स था मेरी नजर में, एक है कि जी रेवोल्यूशन और जोरे बाजू, ये इसके बगैर आपको कोई तश्तरी में ला के नहीं देने लगा पाकिस्तान, जब वो हो जाएगा उसके बाद निज़ाम की तब्दीली, और सबसे इम्पोर्टेंट तब्दीली जो आपकी नज़र में है वो हमारा एजुकेशन का निज़ाम है और हमारी माओ की तरबियत। वो किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मुझे इस कौम की माओ दो
मैं तुम्हें एक अजीम मुल्क बना के दूंगा कि मेरे माँ मेरे हवाले करो, मतलब ये था कि मैं उनको तरबियत दूंगा, एक दिस इज अ सेइंग। तो लास्ट कमेंट्स जफर साहब बिफोर वी कंक्लूड। देखिए, मैं तो लोगों को ये रिमाइंड कराऊंगा कि अलामा इकबाल जो है उनका वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये शायर हजरात में। हालांकि मुझे शेर व शायरी से कोई वो नहीं है शौक, लेकिन अलामा इकबाल हमेशा हमें जगाता रहता है। तो उसका एक शेर है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। देखिए कि वो हमें जो है ना कहता है, तुम्हें जो है ना वो इस्तराब नहीं है, तुम्हें वो हलचल नहीं है, और हलचल के बगैर जो है ना वो तब्दीली नहीं आ सकती है। तो तूफान इसी में तरह फेंकना जब पड़ेगा तो फिर तूफान में जाना पड़ेगा, तूफान बिल्कुल बिल्कुल की लहरों से घबराना पड़ेगा, उन फिर खौफ पर काबू करना पड़ेगा, पाना आएगा। वाह वाह बहुत आला। इजाजत दीजिए जबर भंगे साहब, इंशाल्लाह अगले हफ्ते। नाजीन, जबर भंगे साहब ने बहुत मेरे बड़े पुरजोश से, वो खैर हैं भी बड़े मैग्नानिमस, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया कि हर हफ्ते आया करेंगे, मुख्तलिफ मौजूआत पे करेंगे, कभी सियासत पे करेंगे, लेकिन इनके अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और इनकी जो अपनी रिगर है, एकेडेमिक और एक्सलेंस और ब्रिलियंस है, और जो इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो इन्होंने रिसर्च की है और किताबें लिखी है, और आपको पता चल गया होगा कितना इनका अबूर है कुरान मजीद पर, कलाम मजीद पर, तो उनसे भी हम इनसे बेनिफिट करते रहेंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला आपको इस जुबान में रखे, आपके अहल वयाल को, प्यारों को, जबर भाई पाकिस्तान के अपने हिफ्ज अमान में रखे, आप सबके अहल वयाल को रखे। ये हकीकी आज़ादी ऑनलाइन है, इस पर क्लिक करके जाइएगा, आपको पता चलेगा जो जफर भाई ने कहा है कि मोबिलाइज कैसे करना है। इसकी मैं बात फिर अगले वीलॉग्स में और करूंगा, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग में जो शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जो मुसीबतों में है, टॉर्चर में है, जो जेलों में है, कैद में है, गैर कानूनी गैर आनी तौर पर पकड़ा हुआ है, हमारी खास तौर पर हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियां जिनको पकड़ा हुआ है, इमरान रियाज खान का बेचारे का पता नहीं उसका क्या हाल है, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़। थैंक यू जफर साहब, थैंक यू सर। थैंक यू।